हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। क्या आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अपर्णा इंडियन आर्ट एंड ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। भैया के फ्रेंड की आज रिसेप्शन है, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तो देखिए, अब सब तो तैयार हो ही नहीं रहा, इतनी जल्दी कहाँ गए? ए हुआ तो चलो भाई, ये चलो 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 जल्दी चलो चलो। अभी लोगों का सजना संवरना ही नहीं हो रहा है अभी तक। हम तो कब से तैयार हो चुके हैं, इन लोगों की तैयारी अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। आने में एक एक करके ये लोग आ रही हैं। ये दिखा रही हूँ पीछे से, ये आ गए ये लोग, बहुत मुश्किल से तैयार हुई है। और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी में। ये प्रगति मैदान का टनल है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उम्दे एक से एक बढ़कर पेंटिंग्स बनाई हुई है, बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी की हुई है। मैं तो मतलब मन कर रहा था कि भैया गाड़ी बहुत स्लो चला, लेकिन ठीक है, जाना भी ज़रूरी है जल्दी। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, बहुत लंबी है, करीब 1.5 किलोमीटर की ये पूरा एरिया है जिसमें ये बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। रास्ते में है और अभी पहुंचे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, और रास्ते में हमें प्रभा को लेना है। अब हम आ चुके हैं ये गणपति टूरिस्ट ढाबा, गुप्ता जी का ढाबा। ये रही हमारी गाड़ी और हम जा रहे हैं, ये लोग हैं। चलो चलो, भूख लग रही बहुत देर से बैठे हुए थे ना गाड़ी में। अभी 4 बजे, अभी काफ़ी समय लगेगा पहुंचने में। आपका स्वागत है, आप सभी से अनुरोध है कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल पर्स लैपटॉप बैग धन्यवाद। अच्छा, ये लोग पराठा के इंतजार में बैठे हैं, आ गए हैं बाबा के ढाबे पे। ऑर्डर हो गया चाय और आलू पराठा, बोल दिया सबके लिए। बढ़िया रेस्टोरेंट, गर्मा गर्म पराठा आ चुका है, आलू पराठा वो भी इतना बड़ा। एक और थाली खाली रखे ना, एक और जाओ खाली रहेगा। ये मेरा पराठा है, हाँ बहुत बड़ा है, एक ही पराठा पेट भर जा रहा है। गुड़ का अचार है क्या? अब देख लीजिए क्या अचार है, क्या है नहीं है पता नहीं। छोटा छोटा टुकड़ा दिया जा रहा है, बढ़िया है, गर्म है ना। इनको तो नमक ही खाना है, यहाँ पर भी आकर नमक डाल रही है। बुराई कर दी जाएगा, नहीं अच्छा है, जो चीज बहुत मीठा है। चाय साइज़
अब हमारा खाना हो चुका है और सबके दीवाने के कुछ चिप्स ले लिया जाए, तो अब हम जा रहे हैं चिप्स लेने। अभी हमने ढाबा पे खाना खाया, ढाबा पे खाना खाते ही फिर दोबारा हम लग गए चिप्स पे। ये इतना सारा चिप्स, ये नहीं कि शाम तक नहीं चलेगा, ये अभी तुरंत खत्म होगा। बहुत अच्छा बोर्ड है, कौन सा डॉलर वी आर द चेंज, ये आगे पढ़ लो सब लिखेगा इस बोर्ड में, यहां से पता चलेगा ऋषिकेश रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ मानव 396 सब इस बोर्ड पे लिखा हुआ, और यही रास्ता है जो चारों धाम को जाता है। अच्छा, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, और ये देखिए यहाँ पूरा हरियाली हरियाली है, खेतों में गन्ने लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शाम का वक्त हो चुका है, ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं गंगा नदी है, बहुत ही अद्भुत नजारा लग रहा है। और ऐसे यहाँ भीड़ नदी में अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं। ये मेला लगा हुआ है, और ये साथ में देख सकते हैं ये हर की पौड़ी है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। और ये सामने देखिए हर हर महादेव की है, ये महादेव की जय भोले बाबा, बहुत ही विशाल। अब ये सुनसान रास्ता देख के हमें भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सुना है हमने कि इस रास्तों पे हाथी चीता और काफ़ी बड़े बड़े जानवर आते हैं, हम इनको मतलब डरे समय हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली हम उस जंगल रास्ते से थोड़ा सा गए हम लोग चीला डैम। ये है चीला डैम, चीला डैम यहाँ पे अच्छा होता है, आप बता रहे तो नहीं देखी हूँ लेकिन बहुत अच्छा बता रहे, दिन में बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के पास, और ये देखिए दूर से ही हमें सजावट दिख गई कि हाँ अब सही जगह पर पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा मन को शांति मिला। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं जहाँ शादी है इनके घर, यहाँ पर आ चुके हैं, और बहुत अच्छी जगह है, घर ठंड हो गई है यहाँ पर, और हम लोग चाय पी रहे हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं, ये भैया प्रभा भाभी सब देखे चाय पी रहे हैं, और मैं इधर आसपास का थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये देखे यहाँ पे ये खेत ही खेत है, धान है ना ये या गेहूँ है, बताओ धान है कि गेहूँ है, गेहूँ है, गेहूँ है, अच्छा ये पूरे खेत में गेहूँ लगा हुआ है, बहुत सारी फसलें है, गेहूँ है, सरसों है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये यहाँ की डेकोरेशन है। ठंड में चाय का मजा ही अलग है। अब चाय भाई हमने यहाँ पे पी लिया, फेस वॉश कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा रेडी होने, तो ये देखो सब इसका क्रीम पाउडर स्टार्ट हो गया, अभी से ज़्यादा मत कोटना ठीक है, तो फटाफट अब हम लोग तैयार होते हैं, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। फ्रेंड्स, अब फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, और मैं दिखा रही हूँ सब हम लोग रेडी हो चुके हैं, जरा दिखाइए हीरो बैठे हुए हैं। अरे 35-33 स्कूल के लिए नंबर
ये लोग लगे हुए सूट दे दाग पै गए
बज गए हैं और शादी पार्टी खत्म, डांस धमाल खाना पीना सब खत्म। अब हम निकल चुके हैं घर की ओर और हम आ चुके हैं ऋषिकेश के पास में, हरिद्वार पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों के बाद हम पहुंच जाएंगे घर। देख रहे हैं रात के 1 बजे का नज़ारा। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पार्वती जो गेना से हमारा नहीं होने।